नंदनवन पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि अवैध तरीके से रेशन लेकर ट्रक जा रहा है। पुलिस ने इसी आधार पर ट्रैप लगाकर ट्रक समेत चावल जब्त किया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कुल 15 लाख का मुद्देमाल जब्त किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। नंदनवन पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि रेशन का ट्रक अवैध तरीके से जा रहा है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर ट्रक चालक को हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अन्य जगह रेशन का माल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने सभी मुद्देमाल जब्त किया जिसकी कुल कीमत 15 लाख बताई गई है। आमच्या डीबी पथकाचे इंचार्ज आहेत दिलीप रहाटे म्हणून, त्यांच्यासोबत जे कर्मचारी आहेत अतुल चाटे, आशिष, स्वप्नील तांदुळकर, यांना माहिती मिळाली होती की आमच्या हद्दीमधून एक असा अवैधरित्या रेशनचा माल घेऊन ट्रक जाणार आहे। त्यांनी ईश्वरनगर चौकामध्ये हसनबागच्या एरियामध्ये ट्रॅप लावला, गाडी मिळून आली, ताब्यात घेतली। त्यावेळेस पुरवठा अधिकारी यांनाही बोलवलं, पुरवठा अधिकाऱ्यासमक्ष तो पंचनामा केला, त्याच्यामध्ये तांदूळ मिळाला होता। त्या जो ड्रायव्हरकडे अधिक चौकशी केली असता आम्हाला आणखी एका ठिकाणी माल साठवून ठेवला अशी माहिती मिळाली। त्या ठिकाणीही आम्हाला गहू राशनचा गहू मिळून आला, सगळे जप्त करण्यात आले आणि त्याच्यावर FIR दाखल करण्यात आली। टोटल जवळजवळ आयशर टेम्पोसह 15 लाखाचा मुद्देमाल आहे। त्याच्यामध्ये आणखी काही आरोपी आहेत का काय ते तपास चालू आहे। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। आगे की जांच में पुलिस जुटी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।